जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप ने जो आपके लिए एक बुक लॉन्च की है वो दोस्तों आज मैं उसका आपको डेमो बताने वाला हूं। यहां पर आप पूरा देखिए, आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड एलटी आरपीएससी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ठीक है, इसका एक डेमो आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो बुक है 3000 क्वेश्चन की ये बुक है, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी आप विषय सूची देख लीजिए, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, नवगीत, साठोत्री कविता, पत्र पत्रिकाएं, काव्य शास्त्र, वर्णमाला, शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, क्रिया विशेषण, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम और प्रमुख कथन। ये दोस्तों आपकी विषय सूची, यानी कि इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है हिंदी भाषा का, इसमें आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। ब्रज बोली अन्य किस नाम से जानी जाती है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं, उर्दू भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। ठीक है, मगही किस प्रदेश में बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, स्वर सेन या ब्रंश से कौन सी भाषा विकसित होती है। उसके बाद और भी हिंदी भाषा से संबंधित, यहाँ देखो ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये भी पूछा गया। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया था हिंदवी शब्द का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें मगही भारत में हिंदी भाषा को आप किस भाषा परिवार में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, और भी यहाँ पर आपको हिंदी भाषा से रिलेटेड संदेश राशक यहाँ पर आ गया, प्राकृत पेंगलम, यहाँ पर पार्श्वनाथ चरित की रचनाकार कौन है, जड़दत्त संहिणा है, सुकुमाल चरु, यानी कि दोस्तों अपभ्रंश से संबंधित जो रचना है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक कौन है। ठीक है, कोंकणी भाषा का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश कोड़ाड़ा भाषा किसने का, तो ये आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड है पूरा का पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं। ये फिर उत्तरमाला यहाँ पर दी है, ये उत्तरमाला देखें। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर चैप्टर देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि पे यहाँ पर देखेंगे तो प्राचीन नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है तो कहाँ, किस सभ्यता से मिलता है, कहाँ से मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है। ठीक है, सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, ये कथन किसका है। ठीक है, देवनागर पत्र का संपादक कौन था, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर दोस्तों देवनागरी के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। यहाँ पर देखें किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, पंजाबी की लिपि क्या है, कोंकणी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, ये आपकी दोस्तों देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अपन देखें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, यहाँ पर स्रोत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भक्तमाल के रचनाकार कौन है, दिया है भक्तमाल। फिर मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने संधिकाल का समय क्या माना है। फिर देखें यहाँ पर तो हिंदी कोविद रत्नमाला द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर अनुवाद हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाइए। अब दोस्तों ये उत्तरमाला हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत की। फिर यहाँ पर आता है आदिकाल, आदिकाल के क्वेश्चन है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, चरासो किस शैली में, कली किस शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है, आला किस ऋतु में गाया जाता है, आला। ठीक है, श्राप का चचना का है।
पति से रूट कर बीसल देव कहाँ चले गए। यहाँ पर देखते कि कौन है, काल की सपाने कवि है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आबोध किसना है, फिर यहाँ पे तो ज्ञान निर्णय, कौल निर्णय की रचना कौन है, भक्ति काल और भक्ति काल की स्वर्णिम कड़ी किस कवि को जाता है, किसे कहा है दोस्तों, है ना, किस प्रताप सिंह का भी है पूछा गया। त्रिसठ सलाह का पुरुषों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, त्रिसठ। उसके बाद यहाँ पर आते सिद्ध की भाषा अंधा नाम किसने, है ना, यहाँ पर व्याकरण ग्रंथ कौन है, व्याकरण कौन सा, प्रलय का ग्रंथ कौन सा है, चरे आप रचना कौन है आदि, ठीक है। काल की उत्तर मान दोस्तों यहाँ देखो गद्य पद्य मिश्रित चंबा शुक्रकार कौन है, अपन किस, फिर यहाँ आता है भक्ति काल, ठीक है। भक्काल में अपन यहाँ पर इनको अगर तो यहाँ आते हैं तो ए तुलसी को चलता फिरता सीतारु ने कहा नाम था तुलसी, ये भक्ति काल है भक्ति काल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे ये रीति काल आता है, तो एक आपको प्रयोग आ गया, प्रयोग में यहाँ देवता का जनक कौन है, नई कविता का सबसे प्रयोग किसने, ठीक है, तक से संबंधित थी सुमन प्रपद किसका पर्याय है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों इसकी यहाँ पर उत्तर माला इस प्रकार से आप देखें रूपक के कितने भेद हैं नाटक में, नाटक में यहाँ पर देखें नहुष नाटक के रचयिता कौन है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर वह कथान जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुन सके उसे क्या कहते हैं, कथा विन्यास के कितने आधार होते हैं, लोक वृत्ति की दृष्टि से कथानक का कौन सा प्रकार नहीं है, है ना, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में दोस्तों ये पंक्ति है, ताप्ता स्मरण की रचयिता कौन है, तो ये नाटक से संबंधित है। फिर यहाँ पर ये निबंध आ गया, निबंध में देखें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी किसे हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, ठलुआ क्लब निबंध किसका है, अमीर राधे गरीब राधे राम का मुकुट भींग रहा है आत्मने पद प्रगति और परंपरा चीड़ों पर चांदनी ये निबंध किसका है। उसके बाद राम जी की चीटी राम जी का शेर, ठीक है। कहानी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कहानी दोस्तों प्रथम ये पूरी दुकबा में कांसे कहूं मोरी सजनी ये कहानी हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उपन्यास देखो उपन्यास को मराठी में क्या कहते हैं, ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास किसका है ये आ गए। एकांकी में देखो एकांकी तो पूरा ये पूरा क्रमबद्ध है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्मरण है गद्य काव्य है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका काव्य शास्त्र के क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं, ये काव्य शास्त्र के भी पूरे 150 क्वेश्चन है इसमें। देखो भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन से, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना, शब्दार्थ सहितौ काव्यम शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हालाबाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, शब्दार्थ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम चतुर्दश, ठीक है, इसको याद करना। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ठीक है, यहाँ पर काव्य में त्रासदी ये भी अपन को करना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है ये कथन किसका है, ठीक है। छंदमाला किसकी रचना है, छप्पाई के प्रथम चार चरण में छंद होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से लिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क 150 क्वेश्चन काव्य शास्त्र के भी है, फिर वर्णमाला के भी है दोस्तों पूरे वर्णमाला, ठीक है। यहाँ पर देखें पर्यायवाची, पर्यायवाची देखो बादल का पर्यायवाची शब्द है नहीं है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद तोय देखो तोय कुतुबन के गुरु का नाम क्या है, अश्व, है ना, इस प्रकार से। नीरस का विलोम धनवान दक्षिण का विलोम क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर देखो पाश्चात्य का विलोम क्या है, यश का सही विलोम अर्वाचीन, परोस का उत्थान का सुसुप्ति, ऋजु का विलोम क्या है, हर्ष का विलोम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो जंगम का विलोम है जंगम, साहचार अंतर्मुखी का आविर्भाव श्री गणेश पुष्ट, ठीक है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है, स्थावर का विलोम क्या है, इस प्रकार से
क्वेश्चन विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखें उपसर्ग है, उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। रस संबंधी प्रश्न है, रस संबंधी, भरत मुनि ने रस है कि कितने भेद माने हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो और यहाँ पर देखें तो छंद संबंधी क्वेश्चन है, छंद की उत्तरमाला, ये पूरी की पूरी जो बुक है दोस्तों विशेषण टॉपिक वाइज पूरे के पूरे क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण, ईमान का विशेषण क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अंत में, इसके अंत में कथन है, कथन महत्वपूर्ण है, ये प्रमुख कथन, प्रमुख कथन यहाँ पर दिए गए हैं जी। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, इस प्रकार से कथन है यहाँ पर। केवल प्रेम लक्षण शक्ति का आधार करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लीलत्व विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। बहुत सारे कथन है, रामचंद्र शुक्ल के कथन है, भूषण के वीर रस से उद्गार सारी जनता हृदय की संपत्ति हुए, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भारतेंदु जी के कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अज्ञेय जी के कथन है, ठीक है। इसमें कथन भी महत्वपूर्ण, कुछ कथन भी दिए हैं दोस्तों, ये कथन भी आप लोगों के लिए उपयोगी है, ठीक है। सो जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में संपर्क करना है 9090906091, आपको जब भी मंगवाना करें, और ये जो बुक है ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है।